गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मैं सी बी जोरड असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर आज हम पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के पेस्ट हैं ठीक है जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स में इम्पोर्टेंट पेस्ट लगते हैं उनके बारे में अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं और उनमें हजारों कीट लगते हैं ना लेकिन हम सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ठीक है और दूसरी बात कि अगर आप ध्यान से इधर सुनेंगे तो आपको uh, जो है क्रॉस क्वेश्चन या फिर कोई डाउट का सवाल ही नहीं रहेगा ठीक है देखिए पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं ठीक है तो एक चीज तो आप देख लो कि किसी भी आज तक के एग्जाम में जहां तक मैंने देखा है किसी भी एग्जाम के अंदर जो है आपसे ये नहीं पूछा जाता कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है ठीक है किसी भी पेस्ट के मैनेजमेंट के बारे में नहीं पूछा जाता उसका पूछा जाता है जो सबसे कॉमन या इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि उस पेस्ट का जो है डैमेजिंग सिम्टम क्या है आप देख लेना पीछे के अगर आपने ए एफ ओ के पहले एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा है ना या तो बेनिफिशियल इंसेक्ट से क्वेश्चन आते हैं या फिर जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डैमेजिंग सिम्टम्स से ठीक है तो हम डैमेजिंग सिम्टम्स जो है उन, उनके बात करेंगे आज कि कौन सा पेस्ट जो है उसका क्या सिम्टम होगा और उसका कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है हम देख लेते हैं कि आपको पता कुछ चीजें क्या होती है एग्जाम में हमें इतने सारे पेस्ट होते हैं नहीं याद रहते हैं ना तो इसके लिए कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान रखना क्वेश्चन में बता देता हूं आपको किस टाइप से आता है आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई ऐसा इंसेक्ट है जो साइज में जैसे बड़ा साइज है या छोटा साइज है ठीक है और उसने प्लांट के लीफ पे या स्टेम पे कुछ होल्स बना रखे हैं ठीक है होल्स बना रखे हैं उसकी वजह से जो लीफ है डिफोलिएशन हो रहा है यानी कि पत्तियां जो है वो झड़ रही है ऐसा कुछ आपको सिम्टम्स देके फिर आपसे पूछेगा कि ये इनमें से कौन से जो पेस्ट है उसका डैमेज है ठीक है तो आपको वो बताना होता है इसके लिए आपको एक बहुत ही जो कॉमन चीज पता होनी चाहिए वो क्या है वो ये है कि आपको उसके माउथ पार्ट्स के बारे में ऑर्डर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए तो यहाँ पे देखिए स्लाइड है इसमें मैं आपको बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट यहाँ कुछ मैंने ऑर्डर्स लिए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं और इनके अंदर कौन कौन से कैसे माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं अब देखिए माउथ पार्ट से क्या होगा सबसे पहले देखिए जैसे ऑर्थोपटेरा ऑर्डर है ठीक है तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल बताया गया कि कौन से जो पेस्ट है वो इसके अंदर आते हैं ठीक है, है। यहां पे अगर आपको डायरेक्ट नाम दिया जाए पेस्ट का तब तो बहुत ही अच्छी बात है फिर वो हो सकता है आपसे उसका ऑर्डर पूछ ले या कुछ और पूछ ले ठीक है नहीं तो क्या है देखिए यहां पे आपको ऑर्डर दे दिया इसके एग्जाम्पल मैंने दे दिए अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है माउथ पार्ट्स कि इसके अंदर कैसे माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं है ना क्योंकि डैमेज जो होता है वो इसी पे डिपेंड करता है अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं ठीक है द माउथ पार्ट्स ऑफ द ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा इस टाइप ऑफ बाइटिंग एंड चेविंग टाइप अब बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं इसको काटने और चबाने वाले ठीक है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बाइटिंग एंड चेविंग काटने और चबाने वाले तो इस टाइप के जो भी इंसेक्ट होंगे जिनके अंदर इस टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाएंगे उनके डैमेजिंग सिम्टम कैसे होंगे वो क्या करेंगे चाहे वो वो अलग चीज है कि वो किस पार्ट्स पे अटैक कर रहे हैं ठीक है ये तो बाद की बात है मान लीजिए लीफ है कोई अगर इसके ऊपर वो डैमेज कर रहा है तो जिस इंसेक्ट के बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट्स होंगे वो क्या करेगा काट के चबा के ही तो खाएगा तो वो क्या करेगा या तो मान लीजिए वो यहां से इस तरीके से इसको लीफ को खाना स्टार्ट कर सकता है यानी कि पूरी लीफ को जो है वो इस तरीके से खा सकता है या मान लीजिए बीच बीच में लीफ पे होल बना देता है ठीक है छेद बना देता है लेकिन ये जो भी काम कर रहा है ये कौन कौन इंसेक्ट कर रहा है जिसके बाइटिंग एंड चेविटाई के माउथ पार्ट है ये तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए अब देखिए दूसरी अगर ऐसे ही बात करें आई ऑर्डर है इसके अंदर जो आते हैं टर्माइट्स यानी आपकी जो दिमक है ठीक है दिमक या टर्माइट है वो इससे बिलोंग करती है इसके भी सेम होते हैं बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स तो मोस्टली डैमेजिंग सिम्टम जो होंगे वो सेम होंगे डिफरेंट होंगे वो हम बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट है लेकिन अब देखिए जैसे ये है हो को इंजेक्ट करके और इससे लीफ कंटेंट, जो जूस कंटेंट होता है लीफ के अंदर उसको सक करेंगे तो इससे क्या होगा होल बनेंगे क्या लीफ पे होल नहीं बनेंगे अगर कोई ऐसा इंसेक्ट डैमेज कर रहा है जिसके माउथ पार्ट्स पियरसिंग या सकिंग हो चाहे रेस्पिंग एंड सकिंग हो है ना तो वो अगर डैमेज करेगा तो उस कंडीशन में होल्स नहीं बनेंगे ठीक है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट यहां से जो है सेप सक कर रहा है लीफ से तो उसके बाद क्या होगा कि वहां से आपका जो लीफ का ग्रीन कंटेंट होता है वो इंसेक्ट जो है चूस लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पे येलोइंग होनी स्टार्ट हो जाती है यानी कि जो लीफ है धीरे धीरे कैसी होने लग जाएगी येलो कलर की ठीक है एक तो डिस्कलरेशन हो जाएगा दूसरा अब मान लीजिए ये बाहर की जो बॉर्डर है लीफ की ठीक है अब इस बॉर्डर के आसपास अगर ये जो है अपने माउथ पार्ट्स को इंजेक्ट करके यहाँ से रस चूस रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा एक तो नॉर्मल लीफ थी अब यहां पे क्या इस चीज की कमी होगी तो कमी होने की वजह से क्या है ये लीफ जो है या तो ऊपर की तरफ कर्ल हो जाएगी समझ रहे हो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी या ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी वो इंसेक्ट पे डिपेंड करता है वो हम जब सिम्टम पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि कौन सा इंसेक्ट तो ऊपर की तरफ करता है और कौन सा नीचे की तरफ तो एक कॉमन चीज क्या है यानी कि अगर ऐसे इंसेक्ट डैमेज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि या तो लीफ की अपवर्ड कर्लिंग हो रखी होगी या लीफ की डाउनवर्ड कर्लिंग हो रखी होगी ठीक है तो हमें ये तो पता चल जाएगा ना कि ये कौन से इंसेक्ट का डैमेज है ऐसा इंसेक्ट जिसके कैसे माउथ पार्ट है पियरसिंग एंड सकिंग ठीक है तो ये चीज ये कॉमन चीज है इसीलिए आपको ये पूरा चार्ट है ये याद कर लेना भी ठीक है इससे आपको कंफर्म हो जाएगा एक यानी कि क्लू मिल जाएगा आपके पास आधे ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे अगर आपके पास ऑर्डर आपको याद है और उसके माउथ पार्ट्स एंड एग्जांपल याद है तो आप आधे को तो ऐसे ही स्किप कर सकते हो दूसरा देखिए अब हेमिप्टेरा ऑर्डर है ठीक है इसमें भी क्या होता है पेयर सिंग एंड सेकिंग टाइप के अब ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है देखिए किसी भी इंसेक्ट के पीछे बग लिखा हुआ आ जाए कोई सा भी हो आगे नाम उसे हमें कोई मतलब नहीं है अगर उसके पीछे बग्स लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब क्या है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेगा हेमिप्टेरा से उसके पीछे लिखा लिखा हुआ हुआ आ आ जाए एफिड आ जाए एफिड मिली बग आ जाए वाइट फ्लाई आ जाए या होपर लिखा हुआ आ जाए ऐसा कोई भी नाम आ जाए उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके कैसे माउथ पार्ट होंगे पियर एंड सकिंग और वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेगा हेमिप्टेरा ऑर्डर का कई बार क्या होता है कि वो इंसेक्ट का नाम नहीं पूछ के वो क्या कर देते हैं ऑर्डर दे देते हैं जैसे हेमिप्टेरा है तो इसको हेमिप्टेर दे देते हैं हेमिप्टेर इंसेक्ट समझ गए है ना तो ये भी नाम हमें पता होना जरूरी है अब एक चीज और देखिए हेमिप्टेरा ऑर्डर की स्पेशली इसी ऑर्डर की बात कर रहे हैं इस ऑर्डर में क्या होता है ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इंसेक्ट के एग्जांपल ये जब डैमेज करते हैं तो डैमेज के साथ इनका एक सिम्टम और आपको दिखाई देगा वो क्या कि ये हनी ड्यू का सिक्रेशन करते हैं इंसेक्ट बिलोंग टू हेम ऑर्डर से क्या होगा हनी ड्यू का मतलब समझ रहे यानि कि एक गोंद जैसा शहद जैसा कोई चिपचिपा पदार्थ जो है उसको सिक्रेट करेंगे अब इसकी वजह से क्या होगा इसके ऊपर फंगस लग जाएगी समझ रहे हो यानी कि हेमिप्टेरा ऑर्डर का अगर कोई इंसेक्ट अटैक कर रहा है उस कंडीशन में कर्लिंग वगैरह तो होगी होगी इसके साथ डिस्कलरेशन भी होगा प्लस वो क्या करता है हनी ड्यू का सिक्रेशन करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर फंगस लग जाता है फंगस लग जाता है कवक जिसको बोलते हैं ठीक है शूटी मोल्ड शूटी मोल्ड भी लिखा आ सकता है ये फंगस यही लगती है मोल्ड फंगस लगती है ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होगा अगर आपको डैमेज सिम्टम दे दिया जाए मान लीजिए आपको दे दिया कि कोई ऐसा इंसेक्ट है जो लीफ से जो है जूस कंटेंट सक कर रहा है कर्लिंग हो गई चाहे वो अपवर्ड दे दे या डाउनवर्ड दे दे प्लस अगर ये नहीं दे और आपको ये दे दे कि सूटी मोल्ड लग गया उस इंसेक्ट की वजह से शूटी मोल्ड लग गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में सीधा आना चाहिए कि कौन से ऑर्डर की बात चल रही है हैमिप्टेरा ऑर्डर की बात चल रही है ठीक है ज्यादा नहीं है सात आठ है आराम से याद हो जाएंगे अच्छे से याद करोगे तो फिर देखिए लेपिडोप्टेरा ऑर्डर अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर क्या आएंगे बटरफ्लाईज एंड मॉथ्स ठीक है तो किसी भी इंसेक्ट के पीछे बटरफ्लाई लिखा आ जाए जैसे अनार बटरफ्लाई हो गई ठीक है मौत लिखा आ जाए फ्रूट सेकिंग मौत है तो उस कंडीशन में हमारा दन क्या जाएगा कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात हो रही है ठीक है या किसी भी इंसेक्ट के पीछे कैटरपिलर लिखा आ जाए नाम के पीछे टरपिलर्स ठीक है तो भी वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेंगे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से ठीक है इसके कैसे माउथ वाट होते हैं देखिए बाइटिंग एंड चेविंग टाइप होते हैं किस में लार्वा में अब इसके मैं आपको डैमेजिंग स्टेज भी बताऊंगा कि कौन सी जो डेमेज कौन सी स्टेज जो है वो नुकसान पहुंचाती है ठीक है क्या होता है अगर आपको ये नहीं ध्यान है ना कई बार वो एग्जाम में क्या देते हैं ये दे देता है कि एडल्ट इंसेक्ट सिम्टम में आपको यह दे दिया कि एडल्ट इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है तो अब हमारे दिमाग में यह भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्डर है जिनकी एडल्ट स्टेज नुकसान पहुंचाती है समझ रहे हो बात को है ना और ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंसेक्ट हैं जिनकी लार्वा या कैटरपिलर स्टेज नुकसान पहुंचाती है है ना तो इसके साथ एक चीज और जोड़ लेना मैं भी लिखवा दूंगा तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर बटरफ्लाइज एंड मोथस आएंगे या कैटरपिलर लिखा हुआ है किसी भी इंसेक्ट के नाम के पीछे तो इसका मतलब क्या है ऑर्डर की बात हो रही है और उसके अंदर बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं और एडल्ट में पाए जाते हैं साइफनिंग टाइप के ठीक है ये किस में होते हैं एडल्ट में रोड किट जो होता है उसके अंदर साइफनिंग टाइप के होते हैं इसकी जो लार्वा या कैटरपिलर जो होगा उसके अंदर बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं फिर देखिए नेक्स्ट ऑर्डर है कोलियोप्टेरा ऑर्डर इसके अंदर बीटल्स एंडल्स आते हैं तो सेम चीज है अगर किसी भी इंसेक्ट के पीछे आपको बीटल लिखा आ जाए या विविल लिखा आ जाए तो इसका मतलब क्या किसकी बात हो रही है कोलियोप्टेरा ऑर्डर की बात हो रही है और उसके अंदर बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाएंगे ठीक है क्लियर है सबको फिर देखिए हाइमनोप्टेरा ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर वेस्प बी एंडलाई ये सारे इसके अंदर आते हैं ठीक है अब ध्यान रखना यहाँ पे फ्लाईज है है ना कुछ फ्लाइज जो है वो हाइमनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर भी आती है ठीक है लेकिन आपको अगर डेमेज से रिलेटेड पूछेंगे तो आप मान के चलिए 90 परसेंट वो फ्लाई जो होगी किस ऑर्डर के अंदर होगी डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर ही होगी ठीक है तो अब देखिए अब इसकी बात करें हाइमनोप्टेरा में इसमें भी क्या होता है बाइटिंग टाइप के होते हैं ऑफ यानी कि कई बार क्या है लेपिंग एंड सकिंग टाइप के भी पाए जा सकते हैं और एक चीज ध्यान रखना जब सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं ना इंसेक्ट जो ऑर्डर वो एक तो देखिए कोलियोप्टेरा से पूछे जा सकते हैं लेपिडोप्टेरा से या हेमिप्टेरा से ये तीन जो ऑर्डर हैं इनसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है क्वेश्चन से देख लेना फिर देखिए डिप्टेरा ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज जो मच्छर जो आते हैं आपके वो किस में आते हैं डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर इसमें भी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं अब देखिए डैमेजिंग स्टेज इसके अलावा हम बात कर रहे हैं डैमेजिंग स्टेज की तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोप्टेरा की ठीक है तो इसकी ध्यान रखना निम्फ प्लस एडल्ट दोनों स्टेज नुकसान पहुंचाती है ठीक है नीम फॉर एडल्ट दोनों ऑर्थ ऑर्डर की फिर देखिए आई ऑर्डर की बात करें ठीक है तो इसमें भी क्या होते हैं बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं इसके भी क्या है बोथ नीम फॉर एडल्ट ये दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं फिर देखिए था ऑर्डर की बात करें थ्रिप्स की तो इसमें भी रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं और ये ध्यान रखना सीधा सा जिसके अंदर भी पियरसिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं उन सब के नीम फॉर एडल्ट दोनों स्टेज नुकसान पहुंचाएगी सीधा सा इतना ध्यान में रखना ठीक है जिसके अंदर भी पियरसिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होंगे उसमें नीम फॉर एडल्ट दोनों स्टेज नुकसान पहुंचाएगी अब बात ऐसे ही हेमिप्टेरा के अंदर है लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है इसमें सिर्फ कैटरपिलर स्टेज जो है ठीक है इसमें जो कैटरपिलर अवस्था है या लार्वा अवस्था जो है सिर्फ वही नुकसान पहुंचाती है ठीक है जो कैटरपिलर होता है ना इस ऑर्डर का सिर्फ वही नुकसान पहुंचाता है सिवाय एक पेस्ट के वो भी अपने जब सिम्टम पड़ेंगे मैं आपको बता दूंगा इस ऑर्डर का एक इंपॉर्टेंट जो है आ, पेस्ट है फ्रूट सकिंग मोथ वो जो है उसकी एडल्ट स्टेज नुकसान पहुंचाती है बाकी इस ऑर्डर के अंदर जितने भी पेस्ट आते हैं सबकी कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाएगी कैटरपिलर या लार्वा और बाइटिंग एंड चेविंग टाइप की उसमें क्या पाए जाएंगे माउथ पार्ट्स पाए जाएंगे फिर देखिए कोलियोप्टेरा ऑर्डर की बात करें तो ये तो हमने सब कुछ कर लिया कंफर्म अब इसमें देखिए इसकी बात करें कि कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है तो इसकी ग्रब प्लस एडल्ट अब देखिए कोलियोप्टेरा ऑर्डर जो होता है उसके लार्वा को क्या बोलते हैं ग्रब ठीक है ये इसीलिए मैंने यहां पे ग्रब लिखा है ठीक है तो ग्रब बोलते हैं लार्वा जो जो होता है है उसको तो इसकी भी ग्रब और एडल्ट दोनों स्टेज जो है, वो नुकसान हो जाती है और इसके एक्सेप्शन है कुछ वो मैं आपको बता दूंगा एक आधा वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर देखिए है, हाइमोप्टेरा ऑर्डर की बात करें तो इसमें भी क्या है बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं और इसकी भी जो है तो देखिए आपको भी पता है इसका सिर्फ एक ही पेस्ट है हमने सुबह बात की थी पहले क्लास से हुई थी अपने है ना इसका सिर्फ जो मस्टर्ड साफ लाई है सिर्फ वो ही नुकसान पहुंचाती है बाकी कोई अवस्था जो इंसेक्ट है वो नुकसान है, नहीं पहुंचाते क्योंकि लगभग किस कौन से होते हैं इसमें आने वाले बेनिफिशियल होते हैं फिर देखिए डिप्टेरा की अगर बात करें तो इसकी भी लार्वा अवस्था नुकसान पहुंचाती है जिसको बोलते हैं मैगट ठीक है डिप्टेरा ऑर्डर का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं मैगेट और इसकी मैगेट अवस्था ही नुकसान पहुंचाती है तो देखिए अगर आपको ये चार्ट अच्छे से याद हो गया तो आप मान के चलिए आप आसानी से जो है कवर कर सकते हैं पकड़ कर सकते हैं कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है समझ गए बात को चले आगे चलिए अब एक एक करके अपने प्लांट्स को लेंगे और उनके डैमेज के बारे में देखेंगे अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है क्या चीज आपको देखनी है एक तो देखिए अभी मैंने इसमें यूज इसलिए ज्यादा कंटेंट डाला है कि कुछ बच्चे होते हैं जो एडवांस पढ़ना चाहते हैं ठीक है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं देखिए एक तो ये चीज जो है कॉमन नेम तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेम बोरर है या इसको येलो स्टैम बोरर बोल देते हैं राइस का स्टेम बोरर बोल देते हैं या येलो स्टेम बोरर ठीक है ये दो, दोनों चीज लिखी हुई है ये क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम ये इसकी फैमिली है और ये इसका ऑर्डर है ये याद रहे तो दी बेस्ट है नहीं तो ऑर्डर तो आपके ध्यान में होना ही चाहिए ठीक है अब आप चार या पांच पेस्ट को देखोगे ना तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि जिसके पीछे बोरर लिखा होगा ना अब वो कुछ जरूरी नहीं है लेपिडोप्टेरा में आएंगे अगर ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही बता देता कुछ होंगे जो लेपिडोप्टेरा में आते हैं कुछ बोरर ऐसे होंगे जो कोलियोप्टेरा में आते हैं ठीक है लेकिन बोरर कोई भी जो है वो हेमिप्टेरा ऑर्डर में नहीं आएगा बोरर का मतलब क्या होता है जो होल करेगा प्लांट में करे लीफ में करे कोई भी पार्ट में करे और होल जो करेगा उसके कैसे माउथ पार्ट्स होंगे बाइटिंग एंड सेविंग टाइप के है ना तो वो पियर्सिंग एंड सकिंग तो करेगा नहीं है ना तो ये चीजें आपको जब आप इसको थोड़ा सा हैबिट में लेके आओगे कुछ देर पढ़ोगे दो चार पेस्ट को तो आप अपने आप कंपेयर करने लग जाओगे ठीक है तो सबसे पहली चीज तो आपको इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है और ऑर्डर जो है वो विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है फिर देखिए अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो डेड हर्ट सिम्टम जो है मैंने यहां पे सिर्फ सिम्टम यूज किए हैं ठीक है और एग्जाम के अंदर आपसे सिम्टम ही पूछेंगे ठीक है तो देखिए राइस स्टेम्बोरर या येलो स्टेम्बोरर है ये क्या करता है डेड हर्ट बनाता है अब डेड हर्ट क्या होता है देखिए मैं बता देता हूं आपको ध्यान से देखिए मान लीजिए ये प्लांट है ठीक है ये प्लांट है राइस का अब क्या होगा इसके बहुत सारी जो है लीव्स निकली रहेगी इस तरीके से ठीक है लीव्स निकली रहेगी अब क्या होता है चाहे बोरर्स जो है सबसे पहले देखिए डेड हर्ट जो है ना ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ राइस में बने बहुत सारी क्रॉप में डेड हर्ट बनता है अलग अलग पेस्ट से बनता है अगर एग्जामिनर आपसे इस पेस्ट के बारे में पूछना चाह रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं राइस जरूर मैंशन करेगा यह ध्यान रखना ठीक है ये कभी नहीं पूछेंगे डायरेक्ट आपको सिम्टम देके ये नहीं पूछेंगे या हो सकता है आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कोई दूसरा ऐसा इंसेक्ट हो ही ना जो डेड हर्ट बनाता हो समझ गए बात को है ना तो दोनों चीजें हो सकती है अब देखिए डेड हर्ट होता क्या है तो मान लीजिए ये प्लांट है अब ये बोरर क्या करता है जो स्टेम बोरर है ये स्टेम के अंदर इंटर हो जाएगा ठीक है स्टेम के अंदर यहां से होल करके कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाएगी इसकी कौन सा ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा तो कौन सी स्टेज नुकसान पहुंच जाएगी लार्वा ओनली तो इसका लार्वा या कैटरपिलर क्या करता है यहां यहां इस टाइप से होता है इसका कैटरपिलर एंटर हो होने के बाद ये जो सेंटर पोर्शन जो होता है स्टेम के अंदर बीच वाला जो भाग होता है इसको ये फीड करता रहता है अब इसको फीड करेगा तो इससे क्या होगा जो बीच की सबसे बीच की जो कलिका होती है ऊपर ये क्या होगी सूख जाएगी यानी कि प्लांट का जो सबसे मिडल पोर्शन होता है वो क्या हो जाएगा सूख जाएगा इसी को क्या बोलते हैं डेड हार्ट ठीक है हार्ट किसको बोलते हैं जहां से पूरी चीज मैनेज हो किसी की है ना यानी कि जो सेंटर पोर्शन होता है किसी भी चीज का या जहां से पूरी बॉडी मैनेज होती है तो ऐसा है इसके, इसके अंदर है सेंटर वाला जो हिस्सा है इसको खा जाता है तो इससे क्या हो जाता है ये बीच वाली कलिका जो है ये ड्राई हो जाती है सूख जाती है ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं डेड हर्ट और ये सिम्टम कौन करेगा स्टेम बोरर राइस की अगर बात करें तो राइस स्टेम्बोर या येलो स्टेम बोर भी इसको बोल सकते हैं ठीक है देखिए डेड हर्ट एट वेजिटेटिव स्टेज विच ब्राउनिश यानी कि ये जो है ये ब्राउन कलर का हो जाएगा कर्ल्स मुड़ जाएगा यानी कि एक जो ओपन पत्ती होती है वो क्या हो जाएगी मुड़ जाएगी कर्ल हो जाएगी यानी कि ऐसे घूम जाएगी पूरी ठीक है एंड ड्राइज ऑफ और अंत में क्या हो जाएगी सूख जाएगी तो ये सिम्टम किसके होंगे डेड हार्ट के वाइट ईयर अब ये देखिए ये स्पेशल सिम्टम है जो और कोई भी पेस्ट नहीं देता सिर्फ इसी का होगा वाइट ईयर कहीं लिखा होगा इसका मतलब किसकी बात हो रही है राइस के स्टेम बोरर की वाइट ईयर एट हेडिंग स्टेज यानी कि जिस टाइम ग्रेन्स बन रहे होते हैं है ना हेडिंग स्टेज विद एम्पटी पार्सली फील्ड ग्रेन यानी कि या तो जो है आपके ग्रेन्स जो बन रहे हैं वो खाली रह जाएंगे समझ में आ रहा है ना इसमें इंग्लिश में हिंदी में, में लिखूं समझ रहे हो प्रॉपर वीडियो दोबारा देख लेना भाई नहीं समझ में आए तो एमपटी रह जाएंगे यानी कि या तो खाली हो वो जो ग्रेन्स बन रहे हैं वो पूरा खाली रह जाएगा या पार्सली यानी कि कुछ दाने भरेंगे और कुछ जगह खाली रह जाती है दोनों चीजें हो सकती है तो इसमें क्या होता है देखिए आपको मैं दिखा देता हूं ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्या है वाइट ईयर इस तरीके से ये जो है सफेद हो जाते हैं ठीक है ये दिख रहा है जो आपको ये क्या है वाइट ईयर और जो इसका कैटरपिलर है वो दिखाई दे रहा है सबको ये क्या है इसका

इस तरीके से इसके क्या किए जाते हैं एग होती है यानी कि टिप के ऊपर पत्ती का जो सिरा होता है वहां पे इसके एग्स दिए जाते हैं इसका इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट भी यही हो जाता है देखिए क्लिपिंग ऑफ क्लिपिंग द टिप्स यानी कि ये जो हिस्सा है टिप वाला इसको क्या करते हैं अपने काट देते हैं किस कंडीशन में जब हमें इसको इसकी नर्सरी लगानी पड़ती है पहले राइस की तो नर्सरी के बाद जब इसको मेन फील्ड में, में ट्रांसफर करते हैं तब हम क्या करते हैं अगर विजिट करते हैं सर्विलेंस सर्वे करके देखते हैं अगर आपको दिखाई दे इस तरीके के एग्स तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ट्रांसप्लांटिंग से पहले ये जो टिप वाला हिस्सा होता है इसको तोड़ देते हैं ठीक है ताकि जो है आगे इसका जो है नेक्स्ट जो स्टेज जो है कैटरपिलर या एडल्ट वगैरह ना बन सके क्लिपिंग दिप्स ऑफ दीडलिंग प्रेर टू ट्रांस ट्रांसप्लांटेशन देखिए ट्रांसप्लांटेशन से पहले ठीक है इन दिलिमिनेशन ऑफ दी एग मासेस ठीक है यानी कि एग मासेस को हटाने के लिए यह सब किया जाता है तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट ठीक है इंपॉर्टेंट पेस्ट है ध्यान रखना भी इसका फिर देखिए नेक्स्ट बात करते राइस की पेस्ट है सेकेंड देखिए है ब्राउन प्लांट होपर अब देखिए यहां पर क्या आ गया होपर लिखा हुआ और अभी मैंने आपको बताया था कि होपर भी लिखा जाए उसका ऑर्डर कौन सा होगा हेमिप्टेरा ऑर्डर दिख रहा है हेमिप्टेरा ऑर्डर है ना अब हेमिप्टेरा ऑर्डर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा डैमेजिंग सिम्टम सीधा सीधा आपके माइंड में आना चाहिए कि नीम फॉर एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाएंगे दोनों के पियरसिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं प्लांट से रस को सक करेंगे येलोइंग हो जाएगी बाद में जो है ब्राउनिंग होने लग जाएगी जो है है ना हनी ड्यू का सिक्रेशन करेंगे तो उस पर क्या लग जाता है फंगस लग जाता है ये सारी चीजें आपको ऑर्डर का नाम देखते ही ध्यान में आनी चाहिए तो देखिए प्री मैच्योर येलोविंग ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है एंड ड्राइंग ऑफ प्लांट इन आइसोलेटेड सर्कुलर पैचेस यानी कि अलग अलग जगह पे थोड़ी जगह आपको जो है पैचेस दिखेंगे यानी कि धब्बे से दिखेंगे ये दूर से आप देखोगे जैसे इस फोटो में दिख रहा है ना आपको पूरा राइस का फील्ड है लेकिन ये वाला एरिया आपको क्या दिख रहा है जला हुआ सा दिख रहा है ना ब्राउन ब्राउन सा ना तो इस तरीके से क्या है कुछ कुछ जगह पे सर्कुलर आपको दिखेंगे इस तरीके से ब्राउनिंग प्लांट्स दिखेंगे ठीक है ये किसके सिम्टम है ब्राउन प्लांट होपर के और होपर बन ये जो जला हुआ होता है ना ऊपर का जो ब्राउन कलर का हो जाता है ना लीफ जो है वो इस टाइप की हो जाती है इसी को बोलते हैं होपर बर्न सिम्टम तो होपर बर्न सिम्टम कौन देता है ब्राउन प्लांट होपर राइस के केस में होपर बर्न हो सकता है कोई और भी दे इंसेक्ट लेकिन राइस के केस में ब्राउन प्लांट होपर सुमोल्ड या मैंने शॉर्ट में लिखा है समझ गए इसका मतलब क्या है यानी कि हनी ड्यू का सिक्रेशन हो रहा है और उसके ऊपर क्या लग गया है फंगस लग गया है तो अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ आ जाए तो कर सकते हो आसानी से पहचान सकते हो कि कौन से पेस्ट का डैमेज हो रहा है देखिए, कि जो तने इससे प्रभावित होते हैं, हैं, हैं वो क्या हो जाते soft हो जाते जाते अनफिट टू यूज एज स्ट्रो ये जो है, हमारे की नहीं रहते यानि कि इनको हम चारे के रूप में यूज नहीं कर सकते Brown plant is reported as vector of grassy अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, है ना ब्राउन प्लांट जो पर, पर जो पेस्ट है ये कौन सा वायरस फैलाता है ग्रासी स्टंट यानी कि ग्रासी स्टंट और रेग्ड स्टंट ये दो वायरस है इनके वेक्टर के रूप में भी ये काम आता है वेक्टर का मतलब समझते हो वाहक वायरस क्या है वायरस को हमेशा लिविंग बॉडी चाहिए होती है वायरस के लिए कोई ना कोई लिविंग मीडियम होना जरूरी है तो ये क्या करते हैं इसके लिए चैनल का, का काम करते हैं ठीक है वेक्टर का काम करते हैं इसके थ्रू बीपीएच के थ्रू ये जो है पूरी क्रॉप में वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से फसल जो है वो खराब हो जाती है इसके बाद देखिए नेक्स्ट है राइस ग्रीन लीफ ओपर ठीक है अब इसमें भी होपर है लेकिन ध्यान रखना ग्रीन लीफ ऑपर जो है बाकी सारा कुछ सेम है हेमिप्टेरा ऑर्डर का होगा लेकिन ये यह बर्न सिम्टम नहीं देता बर्न सिम्टम अगर लिखा हुआ आ जाए तो कौन देगा वो ब्राउन प्लांट ओपर ऑर्डर हेमिप्टेरा इसका भी ये क्या करता है टुंगरो वायरस फैलाता है बाकी सेम चीज है येलोविंग होगी स्टंटिंग होगी यानी कि प्लांट्स जो है वो क्या रह जाएगा छोटा रह जाएगा और विदरिंग ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट जो है वो क्या हो जाता है सूखने लगता है ड्राई होने लग जाता है और मेन तो ये है कि ये कौन सा वायरस फैलाता है तो राइस टंगरो वायरस जो फैलाया जाता है वो किससे फैलता है ग्रीन लीफ ऊपर से राइस ट्रांजिटरी येलोइंग एंड राइस येलो ड्वार्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ये ध्यान रखना भी राइस टंगरो वायरस जो है वो किसके द्वारा फैलता है ग्रीन लीफ हॉपर से फिर देखिए राइस हेड बग या गंदी बग अब यहाँ पे देखिए आपको बग लिखा हुआ दिख रहा है, है ना बग की, अपने, अपने अभी बात की थी बग कौन से ऑर्डर में आते है? हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर है ना बाकी सारे सिमटम सेम होंगे जितने भी अभी हमने बात की है देखिए बोथ नीम एंड एडल्ट शक जूस फ्रॉम ग्रेन्स इन मिल्की स्टेज ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी वैसे जो जो चीज इंपॉर्टेंट है ना उसको मैंने बोल्ड कर रखा है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा मिल्की स्टेज यानी कि दूधिया अवस्था जिस टाइम दाने भरने स्टार्ट होते हैं ठीक है फिलिंग इज स्टार्ट ना उस कंडीशन में क्या होता है इसका डैमेज होता है अब देखिए हो सकता है आपको वो जो दे एग्जामिनर वो कैसे दे सकता है क्वेश्चन वो ऐसे दे सकता है कि एक हेमिप्टेरन इंसेक्ट है ठीक है कोई भी हेमिप्टेरन इंसेक्ट है जो राइस के अंदर दाने भरते समय हो ग्रैंड फिलिंग के टाइम या मिल्की स्टेज पे अगर नुकसान कर रहा है तो वो कौन सा है तो हेमिप्टेरा के तो बहुत सारे पेस्ट लगते हैं तो मिल्की स्टेज पे अगर बात आपसे डायरेक्ट उसने दे दिया कोई ना कोई हिंट जरूर देगा वो आपको ठीक है पकड़ने के लिए तो इससे आपको पता चल जाएगा कि, कि किसकी बात हो रही है राइस ईयर हेड बग या फिर गंदी बग की ठीक है देखिए, आल्सो फ्रॉम ये तो दिया हुआ है कि ग्रेन्स से मिल्क दाने भरते समय पेडेंकल जो डंठल होते हैं या लीव्स और स्टेम सारी की सारी जो पूरा प्लांट है कहने का मतलब उससे ये क्या है जूस को सक करता रहता है अफेक्टेड ग्रेन्स बिकम श्रीवर्ड सिकुड़ जाते हैं और चैफी ठीक है यानी कि जो है बिखरे हुए से दिखेंगे आपको ठीक है ब्राउन स्पॉट इज ऑब्जर्वड एट दी फीडिंग साइट यानी कि जहां पे ये फीड करते हैं वहां पे आपको ब्राउन कलर का जो है स्पॉट दिखेगा डब्बा दिखेगा वेयर सुटी मोल्ड डेवलप्स जहां पे सुटी मोल्ड स्टार्ट हो जाता है लगना अब मोल्ड की बात आ गई यानी कि हेमीपटेर ऑडर की बात हो रही है लोअर ग्रेन क्वालिटी ब्रोकन ग्रेन इन्फेस्टेड एट सॉफ्ट डफ स्टेज यानी कि अगर पहले ही यानी कि जब दाने भर रहे होते हैं डफ स्टेज का मतलब क्या होता है जिस टाइम दाने भरते हैं उस स्टेज को बोलते हैं अगर स्टार्टिंग में इंफेस्टेशन इसका हो जाता है तो क्या होता है एक तो ग्रेन की क्वालिटी कम रह जाती है या फिर जो दाने बनते हैं वो टूटे हुए बनते हैं पूरा का यानी कि जो ग्रेन है वो फुल डेवलप नहीं हो पाता ठीक है तो ये सारे इसके सिम्टम है इसके अलावा देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पेस्ट और है राइस के देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर शूट एंड लीफ कहीं भी आपको ये सिम्टम दिख जाए ऐसा लिखा हुआ दिख जाए सिल्वर सीट शूट या फिर ऑनियन लीफ इन राइस इसका मतलब क्या है कि वो कौन से पेस्ट की बात कर रहा है राइस गालमिज या फिर गाल फ्लाई, ठीक है इसका क्या साइंटिफिक नेम है क्या ऑर्डर है आपको कोई लेना देना नहीं है बस इतना ध्यान रखना कि ऐसा सिम्टम दिख जाए वो इसी पेस्ट का है स्पेसिफिक अब देखिए फिर लीफ कैसेस यानी लीफ कैसेस हैंगिंग फ्रॉम राइस लीफ एंड कट लीफ बिट्स फ्लोटिंग इन वाटर यानी कि क्या होगा कि इंसेक्ट जो होगा ये इंसेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं ये क्या करता है लीफ जो होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और जो कटे हुए टुकड़े हैं वो क्या है आपको पानी के ऊपर तैरते हुए दिख जाएंगे ऐसा अगर सिम्टम दिखाई दे तो वो किसका होगा कैशवम का ठीक है कैशवम का होगा लीफ सेस बनेंगे ठीक है अब देखिए इसके बाद मार्जिनल रोलिंग इन राइस सीडलिंग राइस थ्रिप्स की अब देखिए यहाँ पे थ्रिप्स की बात आ गई थ्रिप्स का ऑर्डर कौन सा होता है ध्यान रखना थ्रिप्स जो है सिर्फ में आपका क्वेश्चन थ्रिप्स का ही बनता है और कोई पेस्ट आता ही नहीं है इसमें ठीक है थ्रिप्स है था और इसकी जो कर्लिंग होगी ठीक है अब देखिए मार्जिनल रोलिंग यानी कि लीफ की जो मार्जिन होती है वो क्या हो रही है रोल हो रही है यानी कि उनमें कर्लिंग हो रही है इन राइस सीडलिंग ठीक है राइस की जो प्लांट्स है उनके अंदर अब यहां पे देखिए थ्रिप्स की बात हो रही है ना तो ध्यान रखना थ्रिप्स में जो करलिंग होगी वो हमेशा कैसी होगी अपवर्ड कैसी होगी कर्लिंग अपवर्ड अपवर्ड कर्लिंग का मतलब समझ रहे हो यानी कि जो लीफ होगी उसके अंदर जो आ, उस कर्लिंग जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी जो पत्ती है मान लीजिए ये कोई लीफ है, है ना अगर इसमें कर्लिंग हो रही है तो ये ऊपर की साइड से यहां इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ऊपर की तरफ इस टाइप से आपको मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो वो किसके है राइस थ्रिप्स के फिर देखिए निबलिंग ऑफ राइस हेड एंड डीफोलिएशन लिविंग ओनली रिब इन राइस आप देखिए ये ग्रास ओपर की बात चल रही है और ग्रास ओपर कौन से ऑर्डर में आता है और अंदर। पूरी पूरी फीड कर जाते हैं कई है, बार तो ये बीच वाली जो मेड्रीब होती है ना बीच में लीफ के जो सिर्फ वो बचती है बाकी पूरा का पूरा जो प्लांट है ये फीड कर जाते हैं तो ऐसे सिम्टम अगर आपको दिखाई दे तो वो किसके होंगे राइस ग्रास ओपर के फिर देखिए इसके बाद बात करते हैं सोरगम के फ्लाई का देखिए इंपॉर्टेंट पेस्ट है सोरगम फ्लाई ये सोर्गम के अंदर भी लगता है और मेज के अंदर भी लगता है सोरगम और मेज दोनों ही दे सकता है दोनों में से कोई एक भी दे सकता है यह भी जैसे नीचे स्टेमबोर जो दिया हुआ है यह भी सोरगम के अंदर भी लगता है और मेज के अंदर भी लगता है भी दोनों सेम होंगे अब देखिए स्वरगम फ्लाई अब यहां पे फ्लाई आ गया कौन सा ऑर्डर है डिप्टेरा डिप्टेरा ऑर्डर की कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है मैगट लार्वा या मैगट अवस्था अब देखिए इसका जो डैमेज डैमेज सिम्टम है वो सेम होता है अब देखिए ये जो दोनों पेस्ट आपको दिख रहे हैं ना दोनों एक साथ देख लेना दोनों के डैमेजिंग सिम्टम सेम होते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैं बता देता हूं सोरगम सूट फ्लाई जो होती है ना इसका डैमेज होता है विद इन मंथ यानी कि सात दिन से लेके जब इमर्ज होती है क्रॉप उससे लेके तीस दिन के तक थर्टी डेज यानी कि फर्स्ट हफ्ते से लेके फोर्थ वीक तक इसका डैमेज होता है किसका फ्लाई का बाकी सिम्टम सेम होंगे अगर सेम सिम्टम आपको दिखाई दे तीस दिन के बाद तो वो किसका होगा स्टेम बोरर का समझ रहे हो जैसे देखिए इसमें क्या बनता है डेड हर्ट बनता है डेड हर्ट सेम चीज है ये दिख रहा है आपको है ना पिक्चर के अंदर ये क्या है डेड हर्ट है यानी कि जो प्लांट होता है अब उसके स्टेम में इंसेक्ट जो है <coughs> चला जाता है और फिर बीच वाला पोर्शन खाने लग जाता है उससे क्या होता है जो सेंट्रल पोर्शन होता है सेंट्रल शूट जो होती है वो सूख जाती है सूखने के बाद इस तरीके से हो जाती है दिख रहा है आपको वाइट वाइट ये क्या है डेड हर्ट है और जब इसको आप खींचते हो ऊपर तो आसानी से ये खींच जाता है सेम सिम्टम आपको दिखेंगे मेज स्टेम बोर में लेकिन कब दिखेंगे एक महीने के बाद एक महीने तक अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो किसके सिम्टम है सूटफ्लाई के अब देखिए इसके अलावा जो चीज है एक तो देखिए ये जो डेडअर्ट बनेगा सूट फ्लाई के अंदर इजीली पुल्ड आउट एंड गिविंग ऑफेंसिव स्मेल यानी कि इसमें से एक अजीब सी बदबू आएगी जब आप इसको स्मेल करोगे तो इसमें क्या एक अजीब सी स्मेल आएगी लेकिन इसके अंदर हर्ट बनता है विद नो ऑफेंसिव स्मेल यानी कि इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आती है एक तो डिफरेंस ये हो गया दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इसका अगर देगा तो वो आपको स्टार्टिंग स्टेज या एक महीने के अंदर ऐसा कुछ सिम्टम जरूर देगा है ना हिंट ये हो गया इसके अलावा तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि सोर्गम के ये जो सूट फ्लाई है इसकी वजह से क्या होता है साइड या सेकेंडरी टिलर्स बहुत ज्यादा निकल जाते हैं सेकेंडरी टिलर्स का मतलब क्या है जैसे ये सेंट्रल पोर्शन तो सू क्या की वजह तो होती है शेप होती है, वो बिगड़ जाती है बहुत सारे टीलर्स निकल जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है बाद में उन पे दाने या तो भरते नहीं है या कम भरते हैं या आधे रह जाते हैं समझ गए बात को तो साइड टीलर्स अगर दे दे आपको साथ में तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है फ्लाई की और अगर ऐसा नहीं देखे वो आपको दे दे पिन होल इंजरी लीफ के ऊपर पिन होल इंजरी ऐसा कुछ वर्ड यूज करता है तो इसका मतलब वो क्या है स्टेम बोरर पिन होल इंजरी ये दिख रही है सबको इस तरीके से यानी कि पैरल रो के अंदर ये क्या करता है होल करता है देखिए दिख रहा है होल इस तरीके से क्या है एक रो के अंदर ये देखिए एक रो के अंदर इसने क्या किए हुए होल्स किए हुए हैं इसको बोलते हैं इंजरी और ये किसकी वजह से होते हैं दिखे। दिखे तो इसका मतलब क्या है कौन सा ऑर्डर की बात हो रही है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात हो रही है या ऐसे इंसेक्ट की सॉरी लेपिडो अभी आप नहीं कह सकते जज है ना किसकी बात हो रही है जिसके माउथ पार्ट्स कैसे होंगे बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के इतना तो फिक्स है ना बाद में इसके साथ अगर ऐसी चीजें इंक्लूड कर दे तो आप श्योर sure हो जाओगे कि पेस्ट है फिर देखिए सुगर कैन की बात करते हैं शुगरकेन के पेस्ट तो सुगर कैन में देखिए एक लगता है अर्ली शूट बोरर अब देखिए ये शूट बोरर है ये कौन सा ऑर्डर है इसका भी लेपिडोप्टेरा तो मोस्टली जो बोरर दिखेंगे ना आपको वो इसी ऑर्डर में दिखेंगे लेपिडोप्टेरा में बोरर है लेपिडोप्टर आउडर है सारी चीजें सेम होगी कैटरपिलर नुकसान पहुंचाएगा लार्वा अवस्था वही बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट होंगे ठीक है डेड हर्ट बनाएगा ये भी देखिए प्रेजेंस ऑफ एंट्रेंस होल एट ग्राउंड लेवल यानी कि ये शुगर केन है मान लीजिए तो ये तो ग्राउंड का लेवल हो गया जहां सोइल के अंदर ये खड़ा हुआ है प्लांट अब यहां पे क्या होगा ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर जहां तक पानी का लेवल रहता है उससे जस्ट ऊपर की तरफ आपको एक होल दिखेगा है ना ये सिम्टम किसके होते हैं शुगर कैन अर्ली शूट बोरर के यहां से क्या होता है कि ये अंदर इसको फीड करता रहता है जिससे डेडहट बनता है और फिर अंदर ही प्यूपा में चेंज होता है और यहां से एडल्ट जो है वो बाहर निकलता है ठीक है तो ग्राउंड लेवल पे अगर ऐसा होल दिखे तो वो इसका होगा डेड हर्ट होगा जो क्या है इजीली पुल्ड आउट हो जाएगा और इसमें भी क्या आएगी एक स्मेल आएगी अब देखिए सिम्टम सारे सेम है लेकिन क्रॉप चेंज हो गई समझ रहे हो बात को अगर ये सिम्टम देके आपको राइस का सॉरी तो उसका दे दे मेज या सोरगम का तो वो पेस्ट चेंज हो जाएगा यहां अगर उसने क्रॉप चेंज कर दी तो क्रॉप के साथ ही आपका पेस्ट क्या नाम भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो ये ध्यान रखना भी इन इन्फेस्टेशन, जो इन्फेस्टेड होते हैं यानी कि जो ये शुगर केन है आर स्प्लिट ओपन यानी कि क्या होता है बीच बीच में से खुल जाते हैं इसकी वजह से क्योंकि देखिए बीच में से तो इसने सेंट्रल पोर्शन को तो खा लिया अब इसकी वजह से क्या होता है जो तना होता है वो खुलने लग जाता है बीच बीच में से आपको ऐसे सिम्टम भी दिखेंगे दी लार्वा और प्यूपा आर सीन इन जब आप इसको खोल के भी देखोगे तब भी क्या है लार्वा और इसके प्यूपा जो है वो आपको इसके अंदर दिख जाएंगे फिर देखिए टॉप शूट बोर ये भी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में है ठीक है सेम चीज है होल्स बनेंगे लीव्स पे और अब देखिए यहां पे एक चीज चेंज कर दी इसने रेडिश ब्राउन कलर दे दिया है ना बाकी डेड हर्ट इसमें भी बन रहा है इसमें बन रहा है तो थोड़ा थोड़ा माइनर आपको डिफरेंस मिलेगा उसी को पहचानना है ठीक है रेडिश ब्राउन इसने दे दिया कलर डेड हर्ट बन गया अब देखिए यहाँ पे एक चीज और इसने दे दी डेट कैन नॉट बी इजिली पुल्ड आउट यानी कि इसको आप आसानी से नहीं खींच सकते और यहाँ क्या दिया हुआ है इजिली पुल्ड आउट है ना इसको आसानी से खींच सकते हो इसको आसानी से नहीं खींच सकते देखिए इंटरफेरेंस विद एपिकल ग्रोथ गिव राइज टू साइड शूट जैसे उसके अंदर बनता है ना अभी हमने बात की थी शूट फ्लाई के अंदर कि डेड हार्ट बन गया तो उसकी वजह से साइड टेलर्स बहुत ज्यादा निकल जाते हैं सेम इसके अंदर होता है साइड शूट बहुत ज्यादा निकल जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है बंची टॉप सिम्टम देखने को मिलता है अब अगर आपको ये नाम कहीं दिख जाए बंची टॉप सिम्टम का शुगर कैन के अंदर तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो टॉप शूट बोरर की बात कर रहा है समझ रहे हो बात को अब देखिए सुगर कैन के और इंपॉर्टेंट पेस्ट देख लीजिए लार्वा फीड ऑन टॉप पोर्शन ऑफ द केन यानी कि कैन का जो शुगर कैन होता है उसके ऊपर वाले भाग में अगर कोई लार्वा फीड कर रहा है ठीक है कैन बाय मेकिंग स्पाइरल गैलरीज ठीक है अब स्पाइरल गैलरीज का मतलब क्या है यानी कि मान लीजिए कैन है इसके ऊपर लीव्स है ऊपर वाला पोर्शन की बात कर रहा है ये पूरा पोर्शन जो हो गया अब यहां पे क्या है आपको इस टाइप की गैलरीज दिख जाए गैलरीज का मतलब क्या है इस टाइप से ये फीड करते हैं तो मार्किंग्स होगी लीफ के ऊपर स्क्रैप करते हुए जो है आपको मार्किंग्स दिख जाएगी इस टाइप की सुरंग बनी हुई दिख जाएगी ठीक है तो ये किसका जो है सिम्टम होगा गुरदासपुर बोरर का ठीक है बोरर है ये भी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का पेस्ट है ठीक है एंड लेटर बोरिंग इन टू दी कैन जो कि बाद में क्या करता है कैन होता है उसके अंदर होल बनाता है बहुत सारे बोरर लगते हैं सिर्फ सुगर कैन के अंदर अकेली सुगर कैन के अंदर बहुत सारे बोरर लगते हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा इसको ढंग से आप देखोगे ना तो आसानी से इसमें आप जो है डिफरेंस निकाल सकते हो देखिए बोर होल्स ऑन सुगर कैन इंटरनोड अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड मैंशन कर दिया उसने इंटरनोड ठीक है इंटरनोड समझ रहे हो क्या होता है दो नोट्स एक तो नोट्स होती है उसके बीच की जो नोड होती है उसको क्या बोलते हैं इंटरनोड इंटरनोड एंड एंट्री होल्स प्लग्ड विद एक्स्ट्रा यानी कि एक्सक्रीटा सॉरी अब यानी कि ये मान लीजिए स्टेम है अब इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है एक तो इंटरनोड जो दिख रहा है ठीक है इंटरनोड के बीच में मान लीजिए इंटरनोड है ये इंटरनोड है ये इंटरनोड है ना इस तरीके से गन्ने के अंदर तो क्या है अगर आपको इंटरनोड के ऊपर इस तरीके से कहीं होल दिख जाए एक तो ये सिम्टम हो गया दूसरा ये जो इंट्री होल है ना यहाँ पे इस इंसेक्ट की जो एक्सक्रीटा होती है यानी कि विष्ठा जो होती है ठीक है वो आपको दिख जाएगी तो ये मार्किंग किसकी होगी जो है इंटरनोड बोरर की ठीक है इसका नाम भी इसी के आधार पे इंटरनोड बोरर फीड ऑन रूट्स यानी कि जो जड़ों पे फीड करेगा एंड कोज ड्राइंग अप ऑफ केन यानी कि जो पूरे का पूरा जो आ, सुगर केन होता है उसको सुखाने का काम करता है तो वो कौन हो जाएगा रूट ग्रब रूट पे डैमेज कर रहा है मतलब रूट ग्रब ठीक है ऐसे बहुत से आपको हिंट मिल जाएंगे अगर अच्छे से देखोगे तो आराम से इसको पकड़ सकते हो फिर देखिए कॉटन के पेस्ट की बात करते हैं कॉटन देखिए स्पॉटेड बोलवम ध्यान रखना कॉटन के अंदर तीन तरीके के बोल्वम लगते हैं तीनों यहां मेंशन किए हुए तीनों में डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा और तीनों में से एक के तो आप मान के चलो अभी चांसेस रहते ही रहते हैं ठीक है क्योंकि कॉटन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है स्पॉटेड हैोल्बम अब ध्यान रखना ये भिंडी में भी लगती है इसलिए मैंने यहाँ इसको ओकरा मेंशन किया है ठीक है कॉटन का है भिंडी के अंदर भी लगता है क्योंकि दोनों क्या है सेम फैमिली की क्रॉप है मालवेसी की है ना तो इसके अंदर भी डैमेज होता है ये इसका साइंटिफिक नेम होता है छोड़ो नहीं याद रहता तो अब यहाँ पे वंश आ गया हाँ ये भी ध्यान रखना अभी वंश कहीं भी लिखा आ जाए या बोलवम्स की बात करें स्पेशली आपको पूरा बोलवम दिख जाए तो वो क्या होगा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का ही होगा अब देखिए लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का हो गया अब एक इसकी फैमिली तो चलो आप मत याद करना बाकी मैं बता देता हूं आपको नोकटिडी जो फैमिली होती है इसका मतलब क्या होता है इसके अंदर ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जो रात को डैमेज करते हैं

जड़ने लगती है ड्राइंग ऑफ टेंडर शूट ऊपर वाली जो शूट होती है कली का ये वो सूखने लग जाती है इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ एक तो ये सारे सिम्टम दे दिए उसने आपको प्लस उसने क्या दे दिया प्रेजेंस ऑफ बोर्ड फ्लावर्स बर्ड्स स्क्वास ठीक है अब ध्यान रखना जहां पे एक इसका स्पेसिफिक जो है सिम्टम होता है फ्लैर स्क्वायर स्क्वास क्या होता है पता है किसी को स्क्वायर्स कॉटन के अंदर फर्स्ट ओपनिंग जो होती है फ्लावर की उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर्स तो यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं बॉल बनने से पहले तो उसके अंदर वो क्या है जले हुए से दिखते हैं फ्लेयर जो है वो किसका होगा स्पोटेड बॉलवर्म का ठीक है प्रेजेंस ऑफ बोर्ड फ्लावर बर्ड्स इस पे स्क्वास पे बोर्ड बॉल्स विद लार्वल यानी कि लार्वा की जो भी विष्टा वगैरह होती है एक्सक्रीटा होती है उसमें एट द इंटरेस्ट होल यानी कि जो इंटरेस्ट होल होगा बोर के ऊपर ये दिख रहा है आपको है ना यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है स्टार्टिंग स्टेज में तो ये इसको ऊपर ऊपर से खाता है बाद में इसके अंदर होल कर देता है ठीक है होल करके इसके अंदर इंटर हो जाता है और जो एंट्री होल है ना इसके पास ये देखिए इस तरीके से आपको इस इंसेक्ट की जो है एक्सक्रीटा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी ये इसके सिम्टम होते हैं प्रीमेच्योर ड्रूपिंग ऑफ अफेक्टेड बॉल्स यानी कि जो इफेक्ट हो गई है बॉल अब जैसे ये इफेक्ट होगी तो ये मेच्योर होने से पहले यानी कि ये पूरी बनेगी नहीं उससे पहले ये क्या हो जाएगी झड़ जाएगी प्री मेच्योर ओपनिंग ऑफ डैमेज ब्लोअर सॉरी बॉल्स यानी कि प्री जो बॉल्स होती है पूरी मेच्योर नहीं है वो समय से पहले या तो खुल जाएगी या झड़ जाएगी तो ये सिम्टम्स भी क्या होते हैं इसके होते हैं विच रिमेन्स ऑन प्लांट ठीक है अगर वो नहीं खुलती तब तो वो झड़ जाएगी अगर खुल रही है तो वो प्लांट के ऊपर बनी रहती है लेकिन इन मेच्योर कंडीशन में अभी वो मेच्योर नहीं हुई है फिर देखिए सेकंड बॉल्बम की बात करते हैं वो है पिंक बोल्बम ठीक है इसका भी लेपिडोप्टेरा जो है ऑर्डर है अब देखिए इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं एक दो जिनको ध्यान रखना भी एक तो देखिए ये है रोजेटी फ्लावर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ दिख जाए रोजेटी फ्लावर इसका मतलब किसकी बात हो रही है पिंक बॉलवर्म की प्लस आपको डबल सीड फॉर्मेशन कहीं दिख जाए इसका मतलब क्या है किसकी बात हो रही है पिंक बॉलवर्म ये देखिए यहां पे आपको दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर ये पिंक बॉलवम है अब ये फ्लावर देखिए जो आ, कोटन की बॉल बनती है उससे पहले ही जो फ्लावर्स होते हैं वो खुल जाते हैं टाइम से पहले ही और एक अलग ही शेप ले लेते हैं इसको बोलते हैं रोजेटी फ्लावर्स डबल सीड फॉर्मेशन क्या होता है देखिए आपने देखिए कभी कॉटन के अंदर कॉटन देखा सबने कॉटन के अंदर कभी देखना आप जो ले आते हो मान लीजिए आपने उसको हार्वेस्ट करके घर पे भी ले तो कई बार आप उसको खोल के देखना आप उसके अंदर कैटरपिलर्स दिख जाएंगे बहुत छोटे छोटे कैटरपिलर तो समझ रहे हो ना जो इस शेप के इंसेक्ट होते हैं ना इस शेप के ऐसे दिखते हैं जो लट जिनको बोलते हैं है ना ये क्या है कैटरपिलर्स होते हैं तो पिंक कलर के छोटे छोटे आपको कैटरपिलर्स दिख जाएंगे अब डबल सीड फॉर्मेशन क्या होता है देखिए मान लीजिए ये एक सीड है ठीक है ये एक सीड है ये दूसरा सीड है ठीक है किसके अंदर कॉटन के एक फ्लावर के अंदर एक बॉल के अंदर खुल गया वो पूरा मेच्योर हो गया हमने उसको हार्वेस्ट भी कर लिया उसके बाद उसके अंदर सीड रहते हैं ना कॉटन के लेंट और सीड दोनों मिक्स होते हैं तो देखिए ये जो पिंक बॉलवर्म है ये क्या करती है ये यहां से इंटर होगी ठीक है यहां से इंटर होगी और इंटर होने के बाद ये दूसरे सीड में चली जाती है दूसरे सीड में चली जाती है अब ये यहां से चली भी जाएगी ना तो भी क्या होगा ये दोनों सीड्स जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे दो सीड्स आपस में जुड़ जाते हैं इसी को क्या बोलते हैं डबल सीड फॉर्मेशन ठीक है तो डबल सीड फॉर्मेशन जो सिमटम है ये किसका है पिंक बॉलवम का अटेक्ड फ्लॉवर ड्रॉप प्री यानी कि मेच्योर होने से पहले ही ये भी गिरने लग जाएंगे लेकिन इससे पहले अगर इस पेस्ट का पूछेगा ना तो आप ये मान के चलो कि आपको ये इन दोनों में से एक सिम्टम वो जरूर देगा जिस पेस्ट का जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो तो उनको देना ही पड़ेगा ठीक है तो ये जरूर देंगे आपको सीड्स आर डिस्ट्रॉयज इन एडवांस स्टेज यानी कि जो सीड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एडवांस स्टेज में क्यों क्योंकि देखिए ये क्या करते हैं उसमें होल करके अंदर का जो कंटेंट होता है उसको वो खा जाते हैं इसकी वजह से इट कॉज प्री मेच्योर ओपनिंग ऑफ बॉल्स बाकी सब सेम है आप देखिए इन्वेशन ऑफ सेप्रोफाइटिक फंगस आप देखिए प्री मेच्योर बॉल्स ओपनिंग होने लग जाती है और उसके ऊपर क्या है फंगस लग जाता है आप देखिए ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है फिर भी लग रहा है है ना लेकिन आपको ये जो करेक्टर है ध्यान रखना ये आपको नहीं देगा वो देगा तो भी यहाँ पे शूटिंग मोल्ड नहीं लिखा हुआ समझ रहे हो बात को है ना तो कंफ्यूज मत होना इसमें स्टेन दिंट अब देखिए यानी कि जो रेशा होता है लिंट क्या मतलब क्या होता है रेशा द गिनिंग परसेंटेज एंड क्वालिटी ऑफ लिंट इज ग्रेटली रिड्यूज क्या होता है देखिए ये जो रेशा होता है इसको वो स्टेन कर देता है यानी कि कलर यानी कि ये जो लार्वा होता है इसकी वजह से क्या होता है कि इस रेशे में क्या आ जाता है कलर आ जाता है ठीक है और उस कलर की वजह से जो इसकी क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है रेसे की फिर देखिए कॉटन लीफ अब देखिए यहां पे दोबारा से लीफ होपर की बात चल रही है ठीक है कौन सा ऑर्डर है हेमिप्टेरा लीफ होपर हेमिप्टेरा ऑर्डर में आते हैं और यहां पे भी आपको कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा होपर बन। होपर सिम्टम राइस में भी हो रहा था इसमें भी हो रहा है लेकिन वहां पे कौन कर रहा था ब्राउन प्लांट होपर और यहां पे जो है कॉटन लीफ होपर सब्सिक्वेंटली टर्निंग रेडिश एंड कर्लिंग अप देखिए यानी कि जो लीव्स होगी वो क्या होंगी कि एक तो रेडिश कलर की होने लग जाएगी और करलिंग अप ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी करलिंग होने लग जाएगी स्टंटेड ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम रह जाएगी ब्राउन नेक्रोटिस पैचेस ऑन लीव्स यानी कि भूरे रंग के आपको छोटे छोटे दब्बे दिखाई देंगे किस पे लीफ पे ये दिख रहे हैं इस तरीके से आपको जो है दिखाई देंगे ठीक है इससे पहले देखिए जो मार्जिन वो येलोइश होने लग जाती है दिख रहा है आपको मार्जिन जो है लीफ की मार्जिन जो होती है ये पहले क्या होने लग जाती है येलो कलर की होने लग जाती है स्टार्टिंग स्टेज में ठीक है तो ये इसका सिम्टम है एक बार दो बार दोबारा से अच्छे से देखना इसको फिर पूरा समझ में आ जाएगा अभी आपको फिर देखिए व्हाइट फ्लाई कॉटन की व्हाइट फ्लाई की बात करते हैं व्हाइट फ्लाई कौन से ऑर्डर में आती है अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले वाइट फ्लाई बग्स है ना ये सारे किस में आते हैं हॉपर हेमिप्टेरा ऑर्डर में है ना तो सेम चीज है व्हाइट फ्लाई तो देखी भी होगी आप सबने है ना तो बहुत ही छोटा इंसेक्ट होता है हेमिप्टेरा ऑर्डर का होता है सेम चीज है प्लांट से लीफ से क्या होता है जूस कंटेंट जो है वो सक करता रहता है प्लस क्या होता है हनी ड्यू का सिक्रेशन करेगा जिसके ऊपर क्या लग जाएगी शूटी मोड लग जाएगी देखिए क्लोरोटिक स्पोर्ट्स फॉर्मिंग इनरेगुलर येलोविंग ऑफ लीव एक्सटेंड फ्रॉम टू आउटरेज क्या कह रहे हैं देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा छोटे छोटे पीले रंग के स्पॉट्स दिखाई देंगे जो बाद में क्या होते हैं धीरे धीरे एक साथ जुड़ जाते हैं और ये जो बनेंगे ना यानी कि फिर क्या होगी लीफ की येलोइंग होनी स्टार्ट हो जाती है लीफ की येलोइंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये जो येलोविंग होती है ठीक है ये कहाँ से स्टार्ट होगी वेन्स टू आउटरेज यानी कि जैसे मान लीजिए ये लीफ की वेन है, है ना तो यहां से स्टार्ट होगी और आउटर बाहर की तरफ जो आउटरेज जो होती है उस तरफ क्या होगी येलो होने लग जाएगी समझ रहे हो बात को यानी कि वेन से लेके आउटरेज तक जो है येलोइश होने लग जाएगी द वेजिटेटिव ग्रोथ retarded। ये तो देखिए कॉमन सी चीज है ये हर पेस्ट में वो आपको लिख के दे सकता है कि पेस्ट का अटेक हो गया इसका मतलब क्या हो गया उसकी ग्रोथ जो है प्लांट की वो उससे प्रभावित होगी अफेक्ट होगी ग्रोथ जो है वो कम रहन लग रहने लग जाएगी उसकी वजह से एंड बॉल फॉर्मेशन सीरियसली हैम्पर्ड और जो बॉल फॉर्मेशन हो रहा है क्वार्टन के अंदर वो क्या होता है बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट होता है कम होने लग जाता है शेडिंग ऑफ द बॉल्स एंड प्रॉपर ओपनिंग ऑफ द बॉल इंटरफेड यानी कि बॉल्स झड़ने लग जाती हैं और ना ही वो प्रॉपर ओपन होती है फिर देखिए लो क्वालिटी लिंट एंड ऑयल कंटेंट ऑयल कंटेंट और लिंट दोनों की क्वालिटी कम हो जाती है लग जाएगी क्योंकि हनी ड्यू का सिक्रेशन होता है ये तो हमने बात कर ही ली कॉमन सिम्टम है एक ऑर्डर का इट इज वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरस अब ये ध्यान रखना अभी ये इंपॉर्टेंट है हो सकता है वो आपको दो चार सिम्टम देके इसमें से और ये भी दे दे कि एक स्मॉल फ्लाई है कोई भी ठीक है जो क्या करती है लीफ कर्ल वायरस को फैलाने का भी काम करती है तो इसका मतलब किसकी बात चल रही है व्हाइट फ्लाई की बात चल रही है ठीक है ऐसी होती है भी देख लो बहुत छोटी होती है वैसे तो अब देखिए कॉटन थ्रिप्स थ्रिप्स की बात करें तो हमने बात की थी थ्रिप्स किस में आती है था ऑर्डर में रेस्पिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं इसके भी दोनों ही नीम फॉर एडल्ट स्टेज क्या करती है नुकसान पहुंच जाती है क्योंकि हमने बात की थी जिसमें भी सकिंग टाइप के होते हैं वो सारे के सारे नीम फॉर एडल्ट दोनों स्टेज नुकसान करती है उसकी फ्रॉम लीव्स एंड फ्लावर बर्ड्स यानी कि पत्तियों से भी और जो फ्लावर की बर्ड्स होती है उनसे भी क्या है ये सेप को सक करते रहते हैं मार्जिन अप अब यहां देख लीजिए मैंने पहले भी कहा था आपको कि थ्रिप्स की जो कर्लिंग होगी वो क्या होगी अप होगी होगी ठीक है इट इज ए वेक्टर ऑफ येलो स्पॉट वायरस एंड स्पॉटेड विल्ट वायरस ये दो वायरस जो है उसको भी फैलाने का काम करता है थ्रिप्स ठीक है तो अगर एक तो वेक्टर ध्यान में रख लेना जो भी इंसेक्ट या पेस्ट वेक्टर है किसी आ, डिजीज का है ना या पैथोजन का तो उसको ध्यान में रखना एक तो और दूसरा ये जो कर्लिंग है ये ध्यान रखना थ्रीप्स की कर्लिंग हमेशा कैसी होगी अपवर्ड कर्लिंग होगी फिर देखिए इसके बाद एक पेस्ट है इसका रेड कॉटन बग जो बच गया रेड कॉटन बग ये पेस्ट है अब इसमें क्या होता है इसके अटैक से ऑयल कंटेंट और सीड की वाइबिलिटी यानी कि सीड जो है बाद में जब हम ग्रो करते हैं तो उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है इज रिड्यूस्ड एंड एक्सक्रीटा ऑफ इंसेक्ट स्पॉइल्स द कॉटन लिंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना भी यानी कि इस इंसेक्ट की जो एक्सक्रीटा होती है वेस्टेज जो होता है इसका वो क्या कर देता है स्पॉइल कर देता है इस कॉटन लिंट को यानी कि उसमें सड़ने लग जाता है ये कॉटन जिसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू जो है बहुत कम हो जाती है ये किसके डैमेज है रेड कॉटन बग और इसके अंदर एक चीज वो और आपको मेंशन करके दे रखता है दे सकता है कि ऑलवेज फाउंड इन पेयर ये मोस्टली क्या है पेयर्स में मिलते हैं ठीक है थीक? जोड़े में ही आपको दिखेंगे तो ऑलवेज ये किस में रहते हैं पेयर्स के अंदर फिर देखिए छोटे छोटे इंस, इंसेक्ट्स हैं पेस्ट हैं सॉरी अब ये जो पेस्ट है देखिए इसका मैंने सिर्फ नाम लिखा है यहाँ पे है ना इससे क्वेश्चन प्लम मौथ अगर लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब क्या है कि वो रेड ग्राम का या अरहर का पेस्ट है बस ठीक है इतना ध्यान रखना है आपको वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पूछेंगे तो इसके नाम से ही पूछेंगे ठीक है मौत आ गया नाम कौन सा ऑर्डर है